तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम एनिमे रिव्यू करने वाले हैं। आज जो एनिमे का रिव्यू करने वाले हैं उस एनिमे का नाम है रोरोनी केंशिन। तो इतने बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो रोरोनी केंशिन 90s का सबसे फेमस एनिमे हुआ करता था। इसको फिर से रीमेक किया गया नेक्स्ट जनरेशन को देखने के लिए, यानी कि इसको रीमेक किया गया 2023 में। इसकी वजह तो अपनी पुरानी ऑडियंस थी और नई ऑडियंस, इसको फिर से देखने का इनको फिर से एक नया मौका मिला। और तो 1996 की जो मांगा थी उसी ओरिजिनल मांगा को लेकर फिर से इसे रीमेक किया गया है नए एनिमेशन के साथ। इसलिए एनिमे सबसे जापान में फेमस और इंडिया में थोड़ी बार इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो आई होप मैंने बहुत सारे बंदों का डाउट क्लियर कर दिया होगा कि एनिमे इतना ज्यादा फेमस क्यों है। तो बात करते हैं इस एनिमे के जो मेन कैरेक्टर है यानी कि केंशिन के बारे में। तो अपना जो केंशिन है इसमें एक सामुराई है जो कि अपने वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सामुराई है। और उन्होंने क्यों जो इतना पावरफुल है, क्योंकि जो इसके मास्टर थे ये पूरे जापान के सबसे पॉपुलर मास्टर थे और सबसे बड़े सामुराई थे। और केंशिन ने इन्हीं से ही ट्रेनिंग ली थी एक सामुराई बनने के लिए। जो इन मास्टर की हिडन टेक्निक थी वो थी हिडन मिस्त्री, जो कि सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है और सबसे पावरफुल फन माना जाता है। वैसे अपना केंशिन जापान का सबसे पावरफुल सामुराई बन पाता है। और इसी टेक्निक के वजह से रोरोनी केंशिन बहुत सारे लोगों को मारता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ जाता है हिमोरा बद्दोसाई। ये बेसिकली कातिल का टाइटल है यानी कि हिमोरा बद्दोसाई। और ये केंशिन का नाम इसलिए मिला क्योंकि इसने बहुत सारे जंग में बहुत सारे लोगों की हत्या की थी, बहुत सारे लोगों को मारा था, इसलिए इसको ये टाइटल मिला। और तुम मेरी तरफ से टाइटल समझ ले रहे हो, अपन इसका असली नाम यानी कि ये मशहूर है हिमोरा बद्दोसाई के नाम से। लिटरली बताना इसकी रफ्तार साउंड से भी ज्यादा फास्ट है। केंशिन के पास स्पीड, पावर, ड्यूरेबिलिटी और एबिलिटी है। ये अपने दुश्मन से बड़े टक्कर दे सकता है, उसे हरा सकता है थोड़े से जख्मों खाने के बाद। पर ये अपनी शक्तियों का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि अपनी शक्तियों के बारे में या फिर अपने कला के बारे में किसी को बताता नहीं। ये अपने आप को एक रोरोनी बताता है यानी कि एक मुसाफिर। कहीं भी लोग मुसीबत में हो तो रोरोनी केंशिन अपने असली पावर दिखा के उन सबकी हेल्प करता है, उन सबकी मदद करता है और उन सभी को बचाता भी है। और जो इसके जितने भी दुश्मन है सब इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये हिमोरा बद्दोसाई है। इसने बहुत सारे लोगों की हत्या की, इसलिए इसको नाम मिला हिमोरा बद्दोसाई। पर ये अपनी पहचान छुपाता है रोरोनी केंशिन के नाम से और आम बंदा बन के घूमते रहता है शहरों में। इसी बढ़िया स्टोरी की वजह से और फेम की वजह से 90s का बहुत बड़ा फेमस एनिमे था। क्या तुम इससे पहले रोरोनी केंशिन एनिमे के बारे में पता था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर आप देखने जा सकते हो क्रंची रोल के ऊपर इस एनिमे को, जो कि हिंदी डब में 24 एपिसोड है इसके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी और नए वीडियो में।